अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुहर्रम आ चुका है और मुहर्रम के त्यौहार में खिचड़ा ना बने ऐसा हो सकता है, तो आज मैं आपके साथ खिचड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना खिला खिला, कितना दानेदार बनकर तैयार हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। 2 कप अरवा चावल ले लिए हैं। इस साइड हम लोग कुकर में 1 कप जितना चना दाल डाल देंगे। चना दाल को हम लोग पहले ही 1 घंटा के लिए भिगो कर रख दिए थे। चना दाल डालने के बाद इसमें हम लोग 1 कप जितना पानी डालेंगे। उसके बाद 1/2 चम्मच नमक डालकर उबालने के लिए रख देंगे। इस तरफ एक पतीले में हम लोग 1 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे और तेल के गर्म होने के बाद इसमें हम लोग 2 छोटी इलायची, जावित्री, 1 चक्रफूल, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी है, 4 से 5 लौंग और 1/2 छोटी चम्मच शहजीरा डालेंगे। हम लोग अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें 1 से 2 लंबा काट कर प्याज डालेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको हम लोग भूनेंगे, जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता, गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। अब इसमें हम लोग 2 से 3 हरी मिर्च काट कर डाल रहे हैं। ये देखिए दाल उबल चुका था, इसको हम लोग अब इसमें निकाल ले रहे हैं। पानी इसका सूख चुका था। ये देखिए जो अरवा चावल लिए थे 2 कप, इसको 4 से 5 पानी से धोकर अच्छे से हम लोग छान लिए हैं। इसको हम लोग चलाते रहेंगे वरना ये जल सकता है, चलाते रहना जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाए। देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम लोग 1 चम्मच जो है लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालकर अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लोग जो दाल उबाले थे इसको डाल देंगे और भून लेंगे 2-3 मिनट तक, अच्छे से चलाकर भून लेंगे दाल डालने के बाद। दाल को काफ़ी अच्छे से हम लोग भून चुके हैं 2-3 मिनट तक। अब इसमें हम लोग चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद हम लोग को इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम लोग पानी डालेंगे। पानी कितना डालना है इसका हम लोग को श्योरिटी रखना है। जितना चावल और जितना दाल लेंगे उसका डबल पानी लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ 2 कप चावल और 1 कप दाल लिया था तो टोटल 3 कप हुआ, तो हम लोग को उसका डबल यानी कि 6 कप पानी लेना है। उसके बाद हम लोग इसमें 2 तेज पत्ता डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम लोग को अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम लोग 1 चम्मच जितना नमक डाल ले रहे हैं, तो डालने के बाद चला लेंगे हम लोग अच्छा से और उसके बाद हम लोग चख लेंगे। यहाँ पे कम लग रहा था इसीलिए 1 चम्मच और नमक डाल लिया। आप भी एक बार ज़रूर चख लीजिएगा। अब नमक डालने के बाद इसको हम लोग हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढका कर पकाएंगे। देखिए इसका पानी सूख कर 10% हो चुका है। अब हम लोग गैस को लो फ्लेम, एकदम लो फ्लेम करेंगे और ढका कर दम के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए। और ये देखिए खिचड़ा बनकर तैयार हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कितना खिला खिला, कितना दानेदार बनकर तैयार हुआ है। इसको हम लोग ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे और इसको प्लेट में निकाल कर हम लोग सर्व करेंगे। तो आप भी ज़रूर इस मुहर्रम मेरे तरीके से ये खिचड़ा ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।